तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं TMBU तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी PG के लिए फॉर्म कैसे फिल करेंगे। फ्रेंड जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं जो कि मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी कि PG का जो है कि फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे फॉर्म भरना आप जो है कि सिंपली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फ्रेंड, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। फ्रेंड आप अगर PG के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, चाहे वो MA हो या MSc हो या जो है कि MCOM हो, तो आप जो है कि किसी का भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, प्रोसेस फ्रेंड सेम है, बस आपको लिंक अलग अलग यूज करने हैं, जो कि तीनों का लिंक आपको वीडियो की डिस्कशन में मिल जाएगा। सिंपली वहां पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। फ्रेंड यहां पे आने के बाद फ्रेंड सिंपली यहां पे अप्लाई वाले ऑप्शन मिल जाता है। यहां पे फ्रेंड देख सकते हैं इसका स्टार्टिंग डेट 27/5/2023 से 5/6/2023 जो कि इसका लास्ट डेट फ्रेंड रखा गया है। और उसके बाद इसका जो फ्रेंड यहां पे देख सकते हैं मेरिट लिस्ट की अगर फ्रेंड बात करें तो जो कि 15/6/2023 तक इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। फ्रेंड फ्रेंड आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आपको इसका जो कि मेरिट लिस्ट या किसी भी तरह का नोटिफिकेशन या किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन आता है तो आपको जो कि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। उसी बात फ्रेंड बात करते हैं यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं आपका सेशन 22/24 आ जाता है PG के लिए। फ्रेंड इसी लिंक से फ्रेंड आप सभी चीज का अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे PG का जो भी जितने भी कोर्सेस आते हैं MA या MSc तो आप सभी चीज का यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं फोटो सिग्नेचर का फ्रेंड साइज आप जो है 10 से 50 KB के बीच में रखेंगे, जो कि पहले यहाँ पे गाइडलाइन करके बता देगा। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपका लगने वाला है फ्रेंड उसका साइज यहाँ पे 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। बाकी फ्रेंड पेमेंट का मोड देख सकते हैं ATM या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, कोई भी पेमेंट मोड आप यूज करके इजीली पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले यहाँ आने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको जो कि न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से डिक्लेरेशन देंगे फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद फ्रेंड यहाँ से कैंडिडेट का फर्स्ट नाम बताएंगे, आपका जो भी नाम है फ्रेंड फुल नेम इसमें लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपका जैसे फ्रेंड जो है कि राजा कुमार है तो सिंपली आप यहाँ पे राजा कुमार लिखेंगे। अगर राजा कुमार शर्मा है तो सिंपली इसमें फर्स्ट में राजा कुमार और जबकि लास्ट में शर्मा लिखेंगे। इस तरह से आपको नाम फिल करना है, फर्स्ट और नेम लास्ट। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आप बता देंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ आता है कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे ईयर्स पे क्लिक करेंगे, इस तरह से ईयर्स खुल के आ जाते हैं। सिंपली देख सकते हैं आप इसको यहाँ से राइट लेफ्ट करके आप जो कि स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका मंथ आता है यहाँ से मंथ सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डेट आता है डेट सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाता है। उसके बाद फ्रेंड एक ईमेल आईडी देंगे, उसके बाद एक पासवर्ड बनाएंगे, फिर रीटाइप पासवर्ड करेंगे यानी कि कन्फर्म करेंगे। उसके बाद एक मोबाइल नंबर देंगे, एक्टिव अकाउंट पे क्लिक करेंगे, सारा डिटेल्स फिल करेंगे, एक्टिव अकाउंट पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड एक्टिव अकाउंट पे जैसे फ्रेंड क्लिक करेंगे यहाँ से फ्रेंड देख सकते हैं आपको थैंक यू जो कि एक्टिव योर अकाउंट। उसके बाद सिंपली आप लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे। फ्रेंड यूजर नेम आपका ईमेल आईडी ही होता है, आप यहाँ पे ईमेल आईडी को फिल करेंगे, जो आपने पासवर्ड टाइप किया था पासवर्ड टाइप करेंगे, लॉगिन करेंगे। फ्रेंड आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। सिंपली यहाँ पे जो कि क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं आपका जो कि PG एडमिशन बाय सेलेक्ट रहता है। आपको यहाँ से फ्रेंड कोर्स बताना है कि आपको किस कोर्स से करें, क्योंकि आप जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए तो फ्रेंड आप कोई एक कोर्स से जो कि ऑनर्स किए होंगे, जो आपका ऑनर्स होता है तो उसी में आपको यहाँ पे भी वही ऑनर्स को सिलेक्ट करना है। बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं सभी ऑप्शन मिल जाता है, साइंस से फिजिक्स या जो कि आपका मैथ है केमिस्ट्री है, देख सकते हैं यहाँ पे सारा इंग्लिश है। आपको यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे देख सकते हैं आपको सारा ऑप्शन मिल जाता है, या अगर आर्ट से भी है तो आपको यहाँ पे हिंदी या म्यूजिक या हिस्ट्री इस तरह से देख सकते हैं, उर्दू आपको फिलोसफी सभी चीज का यहाँ पे ऑप्शन सभी सब्जेक्ट का मिल जाता है। सिंपली आप अपना अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे फ्रेंड, उसके बाद यहाँ से फ्रेंड अपना जेंडर बता देंगे, आपका जेंडर क्या आता है जेंडर बता देंगे। उसके बाद फ्रेंड थोड़ा इसे स्क्रॉल कर लेंगे, जेंडर बताने के बाद फ्रेंड यहाँ से नेशनलिटी आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहता है, इसे चेक कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से अपना आधार कार्ड नंबर बता सकते हैं, अगर है तो दे भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। रिलीजन बताएंगे फ्रेंड, आपका हिंदू मुस्लिम क्या आता है वो बता देंगे, कैटेगरी फ्रेंड क्या आता है SC ST OBC SC क्या आता है आप वो बता देंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से सब कैटेगरी पूछा जाता है फ्रेंड कि अगर फ्रेंड एक्स आर्मी है या वार्ड है, NCC कैंडिडेट है या PH कैंडिडेट, स्पोर्ट कैंडिडेट है, इसमें से अगर कुछ पे है तो बताएंगे, नहीं तो छोड़ सकते। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से अपना गार्जियन का नाम फिल करेंगे। उसके बाद फ्रेंड आपका फादर का जो कि पैसा बताएंगे, आपके फादर क्या करते हैं, जॉब करते हैं या फिर कुछ भी है तो आप वो बता देंगे, या फिर अगर कुछ नहीं है या फिर फार्मर है किसान है तो आप जो भी है आप उसका वर्क के बारे में बता देंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आप गार्जियन का एनुअल इनकम बताएंगे, आपका एनुअल इनकम फ्रेंड क्या है, 5 लाख से कम है या फिर 5 लाख 8 लाख के बीच में है या फिर कि 8 लाख से ज्यादा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड वो बता देंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से फादर का मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, है तो फ्रेंड दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से कंट्री बताएंगे, ऑलरेडी सिलेक्ट रहे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से एड्रेस बताएंगे, Line 213 मिल जाता है आपको, देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस बता देंगे। उसके बाद स्टेट क्या है फ्रेंड, आप किस स्टेट से फ्रेंड आते हैं वो बताएंगे,
जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसको स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट बता देंगे, जो भी आपका स्टेट आता है यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे सारा स्टेट मिल जाता है आपको, आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट बता देंगे। उसके बाद उसमें डिस्ट्रिक्ट क्या आता है फ्रेंड वो बता देंगे, यहाँ से देख सकते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड क्या है वो बता देंगे फ्रेंड, 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 7 नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड यहाँ से आपको जो एप्लीकेशन पर प्रोग्राम मिल जाता है देख सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो फ्रेंड अभी भी आपके पास एक मौका इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली से छोड़ देंगे। ये मतलब आपका ऑनर से जो आप एमएससी करना चाहते हैं पीजी करना चाहते हैं वो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आपको जो कि डिपार्टमेंट कॉलेज सेलेक्ट करना है फ्रेंड, यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक ही ऑप्शन मिलता है, जो भी आपको ऑप्शन मिलता है सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, 8 पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, 7 नेक्स्ट फ्रेंड क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आपको जो है कि आपको यहाँ पे 10 क्लास का डिटेल्स फ्रेंड बताना है, आपने 10 क्लास किस बोर्ड से पास आउट किया, अगर बिहार बोर्ड है या अदर है तो आप सिंपली यहाँ पे बोर्ड बता देंगे अपना। उसके बाद किस साल फ्रेंड आपने पास आउट किया, सिंपली यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाता है, आप इस तरह से राइट लेफ्ट करके जो कि आप इसको यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं किस साल आपका जो कि पास आउट है वो बता देंगे। उसके बाद फ्रेंड टोटल नंबर आपका कितना आया था वो बताएंगे, उसके बाद कितना आपको कितना का आपका एग्जाम होता है वो बताएंगे, कितना आपको मिला है फ्रेंड वो बताएंगे, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक आया। फ्रेंड मैं ये सब चीज डेमो के तौर पे आप बता रहा हूँ, आप अच्छी तरह से अपने जो कि फॉर्म को अच्छी तरह से वीडियो को पूरा देखे समझे, उसके बाद फॉर्म को फिल करेंगे फ्रेंड, कहीं भी मिस्टेक हो तो कमेंट जरूर करें फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे पोस्ट सेकेंडरी मतलब आप इंटर का डिटेल्स यहाँ पे बताएंगे, इंटर फ्रेंड आपने कहाँ से किया, बिहार बोर्ड है अदर है तो अदर डाल के यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, नाम टाइप कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से जो कि अपना बोर्ड बताएंगे, पासिंग फ्रेंड बताएंगे किस साल आपने पास आउट किया है, राइट लेफ्ट करके आप फिल कर सकते हैं इसको, यहाँ पे देख सकते पासिंग बताएंगे, स्ट्रीम बताएंगे फ्रेंड आपने इधर क्या सब्जेक्ट से पढ़ाई किया, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तो आप वो बता देंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपका टोटल नंबर कितना आया है आपको वो बता देंगे, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा देख सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पे 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, 7 नेक्स्ट फ्रेंड जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल्स फ्रेंड बताना है, ग्रेजुएशन आपका जैसे देख सकते हैं आपने इंटर आर्ट्स किया तो यहाँ पे आपको आर्ट्स का ही ऑप्शन मिलेगा देख सकते हैं, बीए चूज कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से अपना पासिंग फ्रेंड बताएंगे, आपने किस साल पास आउट किया है आप वो बता देंगे, अगर 23 है तो 23 चूज कर सकते हैं, आपके पास जो भी है आप जिस साल आपने पास किया मार्क्स चेक करेंगे, पासिंग फ्रेंड बता देंगे। उसके बाद यहाँ से यूनिवर्सिटी बताएंगे, आपने फ्रेंड किस यूनिवर्सिटी से पास आउट किया देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये सारा यूनिवर्सिटी मिल जाता है, अगर आपका जो है कि अदर है फ्रेंड अगर आपको इसमें नहीं मिल जाता अदर डाल के आप जो है कि यहाँ पे अदर चूज करेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप सिंपली वहाँ पे नाम फिल कर देंगे देख सकते हैं फ्रेंड। आप यहाँ से अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से पास आउट किया यूनिवर्सिटी बता देंगे अपना इजिली यहाँ पे फ्रेंड यूनिवर्सिटी बताएंगे। उसके बाद फ्रेंड टोटल नंबर आपका कितना आपका एग्जाम हुआ था फ्रेंड वो बताएंगे, टोटल नंबर फ्रेंड आपको कितना मिला है फ्रेंड आप इस तरह से वो फिल करेंगे, आपका परसेंटेज फ्रेंड ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें फ्रेंड आपको जो है कि पार्ट 1 पार्ट 3 तीनों का जो कि नंबर जोड़ना पड़ेगा और इसमें आपका टोटल फाइनल मार्कशीट जो कि आपका जितना नंबर आया वो फ्रेंड यहाँ पे बताएंगे, परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आप सब्जेक्ट वाइज नंबर बताएंगे फ्रेंड, आपका क्या क्या सब्जेक्ट था फ्रेंड आप वो यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से फिल करेंगे आप अपना सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे जो है कि नंबर बताएंगे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड टोटल नंबर कितना आया था फ्रेंड यहाँ पे सिंपली फ्रेंड आपको ऑनर्स का फ्रेंड बताना है, आपको फ्रेंड सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस तरह से आपका टोटल नंबर आपका फर्स्ट ईयर का कितना पास हुआ एग्जाम होता है, उसके बाद कितना आपका नंबर आया, किसी किसी का फ्रेंड अलग होता है तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक करेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस के निशान पे करके इसको जो है कि यहाँ पे ऐड कर लेंगे फ्रेंड देख सकते हैं फ्रेंड, ये आपका एक ऐड हो गया। फिर यहाँ से आप जो है कि फ्रेंड दूसरा बताएंगे फ्रेंड, उसके बाद सेम इसी तरह से आप जो है कि पार्ट 2 का डिटेल्स बताएंगे फ्रेंड, पार्ट 2 में आपका कितना आया था वो बताएंगे, उसके बाद पार्ट 3 में कितना आया था वो बताएंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, 7 नेक्स्ट फ्रेंड जैसे करते हैं यहाँ पे फ्रेंड आपको वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे आप 500 वर्ड में लिख सकते हैं बता सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड पूछा जाता है अगर आपने जो TMBU के बारे में जो आपने जाना है फ्रेंड वो किसके माध्यम से जाना है, कैसे आपको पता चला फ्रेंड या इंटरनेट या न्यूज़पेपर या टीचर आपको कैसे पता चला फ्रेंड, तो आप ये चीज को यहाँ से बता देंगे कि इंटरनेट है या क्या है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड। उसके बाद यहाँ से वर्क एक्सपीरियंस बताएंगे नहीं है तो छोड़ देंगे, सिंपली यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, 7 नेक्स्ट फ्रेंड जैसे करते हैं उसके बाद यहाँ से आपको फोटो अपलोड करना है फ्रेंड, सिग्नेचर अपलोड करना है फ्रेंड देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 500 KB मिनिमम रखना है देख सकते हैं फ्रेंड। इसका जो है कि फोटो बहुत आसान है, सिंपली चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, जहां भी आपने फोटो सिग्नेचर रखा है चूज करेंगे, अपलोड फ्रेंड हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आपको जो कि डॉक्यूमेंट्स में फ्रेंड 10 क्लास का मार्कशीट अपलोड करना है, इंटर का मार्कशीट अपलोड करना है फ्रेंड, ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको अपलोड करना है बीए का, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट फ्रेंड अपलोड करना है, अगर पीएच कैंडिडेट अगर है तो फ्रेंड सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे नहीं तो छोड़ देंगे सिंपली। उसके बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसका साइज फ्रेंड देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स का मिनिमम 5 MB इस तक आप जो कि अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना बहुत ईजी, सिंपली आप यहाँ पे इस वाले जो है कि ब्लू निशान पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका जो है कि पेज ओपन हो जाएगा, जहां भी आपने डॉक्यूमेंट्स रखा है सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे फ्रेंड देख सकते हैं इस तरह से अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कैंसिल अपलोड भी कर सकते हैं अगर गलत हो जाता है तो, या फिर आप सिंपली वेट करेंगे ये फाइनल अपलोड होगा देख सकते हैं यहाँ पे रिमूव फाइल आ गया, ये जो कि सही का निशान आ गया, अपलोड हो चुका है फ्रेंड, सिंपली यहाँ पे क्लोज कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे,
करेंगे फ्रेंड। सेवन नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ से आपको फाइनल सबमिट करना है। सिंपली यहाँ पे डिक्लेरेशन देंगे, उसके बाद यहाँ पे जो है कि सेवन फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करेंगे फ्रेंड आपको यहाँ पे पेमेंट मोड के लिए लेके आ जाता है फ्रेंड। सिंपली यहाँ पे डिक्लेरेशन देंगे, उसके बाद पे जो की सब पैसा पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जो की 165 रुपीज लग रहा है फ्रेंड। शायद हो सकता है हर कैटेगरी का अलग अलग यहाँ पे चार्ज हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। और फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं डिक्लेरेशन देने के बाद अगर यहाँ पे सब पैसा पे क्लिक करूँ, देख सकते हैं यहाँ पे जो की समथिंग वांट रॉन्ग डिटेल्स करके कुछ आ रहा है, तो ये सर्वर का एरर फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ से आगे फ्रेंड नहीं बढ़ रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेंगे अच्छी तरह से, इसको यहाँ पे अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, उसके बाद जो है कि पेमेंट को करेंगे फ्रेंड। फॉर्म कैसे भरना है फ्रेंड पूरी तरह से ए टू जेड जानकारी अच्छी तरह से दी गई है फ्रेंड। आप अच्छी तरह से फॉर्म को जो की वीडियो को देखेंगे फॉर्म को फिल करेंगे, लेकिन देख सकते हैं यहाँ से फ्रेंड आगे नहीं हो रहा है, तो आप इसको अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, उसके बाद फ्रेंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फ्रेंड। यहाँ से फ्रेंड इजिली पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करने के बाद जो है कि क्लिक करने के बाद आपको जो कि कार्ड डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई या क्यूआर कोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आप वहां से पेमेंट कर लेंगे, उसके बाद 10 सेकंड वेट करेंगे, आपको रिसीविंग मिल जाएगा। आप वहां से रिसीविंग को अच्छी तरह से डाउनलोड करके रख सकते हैं फ्रेंड। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड कमेंट करके बताएं। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। फ्रेंड अगर आपको किसी भी तरह का समस्या आता है, हेल्प चाहिए, तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया फ्रेंड, देख सकते हैं आप जो कि 9:30 बजे से 5:30 बजे तक आप कॉल करके जो कि उसका सुधार करवा सकते हैं या किसी भी तरह का जानकारी ले सकते हैं फ्रेंड। देख सकते हैं यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर मिल जाता है फ्रेंड। एक बार यहाँ पे लॉग इन करके मैं देख लेता हूँ कि ये पेमेंट के लिए दोबारा ऑप्शन आता है कि नहीं आता है फ्रेंड। ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के फ्रेंड लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन करने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन करके आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, कहीं भी किसी तरह का मिस्टेक आता है तो चेक कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, इस पे क्लिक करेंगे, फिर से डिक्लेरेशन देंगे, पे बाय सब पैसा पे क्लिक करेंगे फ्रेंड। देख सकते हैं आपको यहाँ पे इस बार जो की आपको लॉग आउट हो जाने के बाद फ्रेंड आपको लॉग इन करना है, तो आपको यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है फ्रेंड। तो आप जो है की इजिली पेमेंट कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आपको QR कोड या कार्ड का नेट बैंकिंग ऑप्शन मिल जाता है। स्कैन QR कोड पे क्लिक करेंगे, जनरेट QR कोड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने QR कोड आ जाता है। अपने मोबाइल के माध्यम से जो कि गूगल पे फोन पे या पेटीएम के जरिए फ्रेंड आप इजीली इसको पेमेंट कर लेंगे। स्कैन करके 10 सेकंड वेट करेंगे, वापस आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपने होम पेज। तो आप फ्रेंड इस तरह से देख सकते हैं कि आप इस तरह से पेमेंट कर पाएंगे फ्रेंड। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फ्रेंड। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।